माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन SBPS ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू ग्राफिकल मेथड। टुडे आई विल टीच यू एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सही लगा मुझे ऊपर वो दिखाई दो जाप लिखाई बोर्ड ही बोर्ड आप दीवार लगा कर ठीक। तो देखिए समष्टि इक्वेशन मेथड, समष्टि इक्वेशन मेथड, समष्टि इक्वेशन है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे दो इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तब पहले इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से फाइंड सेपरेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्स और वाई। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल एक्स की अथवा वाई की वैल्यू सेपरेट फाइंड करेंगे, उस वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे यहां से हमने प्राइम इक्वेशन फर्स्ट, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई कल टू कितना हो जाएगा बी वन वाई, तो कल टू हो जाएगा सी वन माइनस ए वन एक्स, तो वाई कल टू हो जाएगा सी वन माइनस ए वन एक्स अपॉन बी वन, इसको थ्री डाल देंगे। अब आपने वाई की वैल्यू फाइंड की है फर्स्ट से, आप एक्स की भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे एक्स की कीजिए चाहे वाई की। इस y की वैल्यू को फर्स्ट से फाइंड किया सेकेंड में रखेंगे, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू। अब y की वैल्यू जब यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू, y की वैल्यू है सी वन माइनस ए वन एक्स अपॉन बी वन इक्वल टू सी वन। और इसको क्या करेंगे, सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करेंगे। और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सॉल्व फॉर x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू और थ्री, चाहे दो में रख दीजिए चाहे तीन में रख दीजिए, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया जनरल मेथड। अब आपको हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्स आर वाई, चाहे एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए यार वाई की वैल्यू, तो किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाल दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको थर्ड डाल देंगे। अब देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, ये एक्स की वैल्यू सॉरी टू में पुट करनी है, तो ये एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस टू वाई इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस 10, वाई माइनस वाई इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। अब वाई की वैल्यू 5 आ गई, इसको यहां पर कर दीजिए, पुट वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट एक्स इक्वल टू 14 माइनस 5 एक्स इक्वल टू 9, तो दिस इज एक्स दिस इज वाई आंसर। इसी तरह से आप अदर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर और भी देखिए,
और भी पार्ट देख लीजिएगा कैसे लगेंगे। एक्स माइनस एक्स माइनस टी इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस टी इक्वल टू थ्री। यहां पर वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं, एस एंड टी, वहां पर एक्स वाई थे तो यहां वैल्यू निकाल दी है एस एंड टी की। सेकंड है एक्स अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इक्वल टू सिक्स। तो देखिए यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा सिक्स, तो इस टू का इधर टू एक्स प्लस थ्री का इधर थ्री टी, सॉरी एस है एस यहां पर टू एस इक्वल टू सिक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इधर, तो टू एस प्लस थ्री टी सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, इसको टू डाल दीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वल टू थ्री प्लस टी, इसको थ्री इक्वेशन। अब ये एस की वैल्यू कहा रखेंगे, सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ एस, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन टू, तो टू एस एस की वैल्यू क्या है थ्री प्लस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री टी इक्वल टू थर्टी सिक्स, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी इक्वल टू थर्टी सिक्स, थ्री और टू फाइव टी, ये सिक्स इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना बचेगा थर्टी। मैंने बताया था वन बाई रेविल में आ जाता है, और इस वन बाई रेविल के लिए इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो टी इक्वल टू थर्टी अपॉन सिक्स सॉरी फाइव, थर्टी अपॉन फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, टी इक्वल टू सिक्स। अब एक बाई रेविल टी की वैल्यू आ गई, इस टी की वैल्यू को कहां रखेंगे थर्ड में, पुट टी इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट, देन वी गेट एस इक्वल टू थ्री प्लस टी, टी की वैल्यू है सिक्स तो एस इक्वल टू नाइन, तो आंसर आपका आ गया है एस इक्वल टू नाइन टी इक्वल टू सिक्स। ओके, इसी तरह से आप नेक्स्ट और भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।